नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टेक्नोक्रेट्स में। आज हम बात करने जा रहे हैं मिट्सुबिशी PLC FX5U के बारे में, जो इसके एनालॉग इनपुट एंड आउटपुट कार्ड्स हैं उनके बारे में और उनके बीच में डिफरेंसेस क्या क्या हैं। मींस अगर FX5U में आप जानते हैं कि बिल्ट इन एनालॉग इनपुट एंड आउटपुट है और साथ में उनके पास दो और कार्ड हैं जो एनालॉग के हैं, तो उनके बीच में डिफरेंस क्या है और उनका यूज़ क्या है एक्चुअली, मतलब उन तीन कार्ड को सेपरेट क्यों रखा गया है, उनका क्या क्या यूज़ है। आइए देखते हैं उनके बीच में डिफरेंसेस को चेक करते हैं एक बार। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं खोलना चाहूँगा मैनुअल। ये देखिए FX5 4AD, ये होता है आपका जो ये कार्ड आपका जो आपका PLC उसके राइट साइड में लगता है इस तरीके से। और इसके अंदर जो आप देखेंगे ये चार चैनल का कार्ड है। और अगर इसकी स्पेसिफिकेशन देखें, जनरल स्पेसिफिकेशन देखें, तो जो इसकी कन्वर्जन स्पीड है वो देखेंगे आप 80 माइक्रो सेकेंड पर चैनल है और जो इसमें टोटल चैनल है चार चैनल है। तो इसमें और आगे देखते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस। इसमें देखिए ये एनालॉग इनपुट वोल्टेज -10 to +10 volt DC और एनालॉग इनपुट -20 to +20 और ये 16 बिट का रेजोल्यूशन देता है। अब इसमें देखा जाए तो वोल्टेज जो है वो 0 से 10, 0 से 5, 1 to 5, -10 to 10 और अब यूज़र रेंज सेटिंग भी इसमें अवेलेबल है। मतलब अगर आप चाहते हैं कि 0 वोल्ट पे आपको कुछ वैल्यू मिले, जैसे 10 वैल्यू मिले या 20 वैल्यू मिले, तो वो भी आप इसमें डाल सकते हो। और इसका जो आउटपुट डिजिटल आउटपुट आपको मिलेगा वो मिलेगा 0 से 32,000 वैल्यू में। अगर आपके 0 है तो 0 मिलेगा और अगर आपका समझ लीजिए 10 वोल्ट है तो आपको 32,000 वैल्यू मिलेगी। सो इसका रेजोल्यूशन है जो वो 312.5 माइक्रो वोल्ट में है। सेम अगर हम बात करें करंट के लिए तो इसमें 0 से 20 mA तक का आप रेंज है, मतलब 0 से 20 mA की रेंज है इसमें। 0 से 32,000 देगा। 4 to 20 mA भी है, -20 to +20 mA भी है और इसमें भी आप यूजर रेंज सेटिंग कर सकते हैं। दोनों करंट और वोल्टेज दोनों में अवेलेबल है ये। अब आप इसके बाद अगला हम देखते हैं जो इसका इसके आगे जो है, अगर हम बात करें ये आपका होता है बिल्ड इन अभी हम पहले एक बार चेक करते हैं आपका FX5 4AD। देखिए 4AD कार्ड जो है वो आपका वो कुछ इस तरीके से दिखता है। FX5 4AD ADB, ये आपका जो कंट्रोलर है उसके लेफ्ट साइड में लगता है। मीन्स ये कंट्रोलर है आपका, ये देखिए लेफ्ट साइड में मैंने एनालॉग एक्सपेंशन कार्ड लगाया है FX5 4AD-ADB। तो इसमें और इसमें जो आपका ये राइट साइड में जो अनलॉक कार्ड लगाया जो हमने इससे पहले देखा था, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और इन दोनों को देने की ज़रूरत क्या पड़ी मतलब। तो आइए देखते हैं। अगर हम इसकी स्पेसिफिकेशन देखें हम बात करते हैं इसमें, देखिए आप अगर देखेंगे तो चार चैनल का ये वो 16 बिट का रेजोल्यूशन देता है, ये 14 बिट का देता है, पहला डिफरेंस। तो इसमें ही जैसे उसका 32,000 तक का था, अगर आपको 0 वोल्ट है तो 0 दिखाएगा, 10 वोल्ट है तो उस वाले में आपका जो 4AD है उसमें आपको 32,000 वैल्यू दिखाएगा। लेकिन यहाँ पर रेजोल्यूशन इसका कम है, मतलब ये आपको 16,000 तक की वैल्यू दे पाएगा 10 वोल्ट में। तो यहाँ पर एक थोड़ा डिफरेंस आ गया, एक मतलब 2 बिट का जो डिफरेंस है वो यहाँ पर आपको दिख रहा है। अब ये 0 to 5 वोल्ट है, 1 to 5 वोल्ट है, -10 to +10 है, लेकिन इसमें यूज़र डिफाइंड सेटिंग नहीं है। अगर आप अपना डिफाइन करना चाहते हैं कुछ, जैसे आपने कहा कि जैसे 1 वोल्ट to 5 वोल्ट में 0 से 12,800 देगा, तो इसमें आप चेंज नहीं कर सकते, बल्कि वहाँ पर हमें यूज़र डिफाइंड सेटिंग मिलती है। उसके बाद बात करें करंट में, तो करंट में भी हमें रेजोल्यूशन तो हमारा लो हो ही चुका है, साथ ही साथ हम अगर देखें तो यूज़र डिफाइंड सेटिंग भी इसमें नहीं है। एक डिफरेंस है उसके और इसके बीच में कि इसका एक तो रेजोल्यूशन कम है, इसकी जो एक्यूरेसी है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, साथ ही साथ आपको यूज़र डिफाइंड सेटिंग नहीं मिल रही है। अब बात करते हैं जो इसका बिल्ट इन एनालॉग इनपुट है उसके बारे में। जो इसका बिल्ट इन एनालॉग इनपुट है वो आपका होता है इस तरफ, ये आपको जो पार्ट दिख रहा है आप यहाँ देख सकते होंगे कि ये दिखा रहा है कि हाँ जी A to D आपने दिखा रहा है कि +V1, V2 and -V, और D दिखा रहा है +V1, V2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये V है ये डिफाइन करता है कि वोल्टेज। अब आपका जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर आपका बिल्ट इन पोर्ट में है वो खाली वोल्टेज पे काम करता है, वो भी 0 to 10 वोल्ट। आइए इसकी सेटिंग एक बार देखते हैं हम प्रोग्राम PLC प्रोग्राम के थ्रू।
अब मैंने एक प्रोग्राम FX5U में खोला है, ब्लैंक प्रोग्राम है। अगर मैं इसकी यहाँ पर जाता हूँ एनालॉग इनपुट में, या फिर ओके यहाँ जाते हैं एक बार, जिसमें अभी कोई पोर्ट नहीं, अभी हमने कुछ नहीं लगाया इसमें, हम सीधा सीधा एक काम करते हैं, हम आपको जाते हैं ये आपके दो चैनल हैं, ठीक है। सो इसको अगर हम अनेबल करें और कन्वर्जन ओके, ठीक है। तो ये आपका 0 से 10 वोल्ट होता है। इसकी जो स्पेसिफिकेशन हमने देखना भूल गए, हम स्पेसिफिकेशन अगर इसकी हम देखें जनरल स्पेसिफिकेशन, तो उसके हिसाब से ये 4000 वैल्यू देता है। मैं इसका रेजोल्यूशन और ज़्यादा कम है, आप इसमें दिखाता हूँ अभी आपको, इसमें बिल्ट इन लॉग इनपुट का देखते हैं। तो देखिए ये आपका टू चैनल का है, 0 से 10 वोल्ट DC, ठीक है। और इसका जो रेजोल्यूशन है वो 12 बिट का है, और ये आपको 0 से 4000 के बीच में वैल्यू देगा। इसका जो रेजोल्यूशन है वो 2.5 मिली वोल्ट है। तो आप देखिए ये इसका 0 से 4000 है। अगर आप ADP कार्ड की बात करें तो वो 0 से 16000 तक जाता है, और अगर आप 480 की बात करें तो आपका जो रेजोल्यूशन है वो 0 से, मतलब जो उसकी वैल्यू है वो 32000 तक जाती है। तो जब आप एक्यूरेसी की बात करते हैं, अगर आप कहीं लो एक्यूरेसी चाहिए, मतलब जहाँ पर कि ये है कि आपको 0 से 10 वोल्ट में इतना कुछ मतलब डिफरेंस नहीं देखना है ज़्यादा, तो वो चल सकता है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा ही हाई रेजोल्यूशन पे जाना है तो फिर आपको 480 कार्ड यूज़ करना पड़ेगा बजाय ADP या फिर इसके। और इसमें इन बिल्ट इन लॉग में आपके आपके पास वोल्टेज का ऑप्शन है, वो भी 0 से 10 वोल्ट, इसमें आपके करंट नहीं है। तो अगर आपको करंट चाहिए तो आपको फिर उन दो कार्ड पर जाना पड़ेगा, उनमें भी एक्यूरेसी के हिसाब से जो आप सिलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। ये था। और इसमें अगर हम मॉड्यूल कॉन्फ़िगरेशन पे जाएं एक बार, और हम ये देखिए हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है, ये आपका हो गया 480 FX5 480 कार्ड। ये आप यहाँ देख सकते हैं इसमें जो ऑप्शंस हैं, ये इतने सारे ऑप्शंस हैं, और इसमें यूज़र रेंज भी आ रही है अगर आप यूज़ करना चाहें। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर चलिए समझ लीजिए 0 से 4 to 20 mA लिया, बाकी सारी सेटिंग इसमें होती हैं अवेलेबल, और रिफ्रेश सेटिंग भी आपको मिल जाएगी इसमें। सेम मेरे ख्याल से ADP में भी आपको सारा ही मिलता है, जस्ट इसका जो रेजोल्यूशन है और उसके बीच में अंतर है। तो अगर आप एप्लीकेशन सेटिंग में जाएं तो आपको सारी चीज़ें मिलती हैं, स्केलिंग भी मिल जाएगी आपको, ठीक है। इन दोनों में डिटेक्शन फंक्शन भी अवेलेबल है, डिस्कनेक्शन डिटेक्शन फंक्शन भी अवेलेबल है दोनों में। यही डिफरेंस है इन तीनों मॉडल्स में। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।